और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से एक भयानक हादसा हो गया। लैंडस्लाइड से खिसके बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कई वाहन आ गए, जिससे 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए हैं। किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टाने गिरी और इन चट्टानों की चपेट में चितकुल से सांगला की ओर आ रही एक गाड़ी भी आ गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर्यटकों से भरी थी। पर्यटक दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर से हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। भूस्खलन होने के बासपा नदी पर बना ये पुल टूटा और उसके बाद गांव का संपर्क भी कट गया। इस हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। किन्नौर में पहाड़ की चोटी खिसकी तो गड़गड़ाहट के साथ पत्थर तेज गति से गिरने लगे। बड़े बड़े पत्थरों की बरसात शुरू होते ही मोबाइल से हादसे की तस्वीरें बना रहे लोग किसी को आगाह करने के लिए शोर मचाने लगे। वीडियो बना रहे गांव के लोगों ने सीटियां बजाकर भी लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर जानलेवा रफ्तार से हवा में उड़ने लगे। पहाड़ से नीचे आते पत्थरों के सामने जो आया तबाह हो गया। हादसे वाली जगह से सैकड़ों मीटर दूर खड़े शख्स ने इस घटना की तस्वीरें बनाई, लेकिन घटना स्थल से दूर होने के बाद भी उसे लगा कि पत्थर के टुकड़े टूटकर उस तक पहुंच सकते हैं, तो वो कमरे के अंदर चला गया। विशाल पत्थरों की बरसात जिसने देखी दहल गया। बड़े बड़े पत्थर नदी और घाटी में गिरने लगे। गांव के लोगों ने अलग अलग जगहों से इस हादसे की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की। पहाड़ से खिसके एक विशाल पत्थर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से टकराते ही लोहे का पुल धराशाही हो गया। धीमी रफ्तार पर एक बार फिर देखिए कि किस तरह एक एक विशाल पत्थर हवा में उछलता है। सैकड़ों मीटर तक हवा में रहने के बाद ये पुल पत्थर से टकराता है और पुल चरमरा कर नदी में समा जाता है। पत्थरों की बरसात रुकते ही गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही गांव के लोग खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस बीच गांव के लोगों ने पत्थरों से कुचली गाड़ियों के भीतर और मलबे के नीचे लोगों को तलाशने का काम शुरू कर दिया। बचाव दल के मौके पर पहुंचने के बाद भी गांव के लोग बचाव दल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। ये तस्वीरें हादसे के बाद की हैं, जिनमें गांव के लोग गाड़ियों और मलबों में लोगों की तलाश कर रहे हैं। चेक करो प्रधान जी, चेक करो। पत्थरों की बरसात रुकने के बाद पता लगा कि हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 पर्यटक जख्मी हो गए हैं। घायलों को CHC सांगला रेफर किया गया है। राहत बचाव टीम मौके पर काम कर रही है, लेकिन रुक रुक कर छोटे मोटे पत्थर अभी भी पहाड़ से गिर रहे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2,00,000 रुपए और जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान किया। घायलों को वहाँ से तुरंत वहाँ से शिफ्ट किया गया है और उन्हें ये भी तैयारी रखी है कि अगर जरूरत पड़ेगी उनको एयरलिफ्ट करने की, अगर जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए प्राप्त करेंगे। उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4,00,000 रुपये देने की हमने घोषणा की है और जो घायल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। इस हादसे का शिकार हुए लोग हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। इस हादसे का शिकार जयपुर की रहने वाली आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा भी हो गई। हादसे से कुछ घंटे पहले ही दीपा ने ट्विटर पर ये फोटो पोस्ट की थी और लिखा था, वो भारत के उस छोर पर खड़ी है जहां तक नागरिकों को जाने की इजाजत है। इस स्थान से आगे करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर, जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। ये ट्वीट दीपा का आखिरी ट्वीट साबित हुआ। जयपुर में उनके घर शोक छाया हुआ है। दुख तो काफी है, एक्चुअली क्या दुख से ज्यादा हमें तो इस बात का शौक है। जो लड़की कल परसों तक हमारे आंखों के आगे पीछे भगती रहती थी, खेलती फूदकती रहती थी, आज वो हमारे आगे नहीं है। इस बात का हमें बहुत ज्यादा दुख है। मोहल्ले में बहुत ही सुन सन्नाटा हो चुका है। महिला
महीनों से घरों में कैद सैलानी सैर सपाटे के लिए हिमाचल गए थे, लेकिन रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हादसा हो गया। सांगला छिपकुल रोड पर अचानक पहाड़ पर से पत्थर गिरने लगे और नीचे आते आते इतने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। वह हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर बादल फट गया, इससे काजा नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में सड़क बह गई जिससे 50 से ज्यादा वाहन फंस गए। फिलहाल बीआरओ की टीम ने सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण प्रशासन ने पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। लोगों को नदी नालों से दूर रहने को भी कहा गया।